ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तां। ये तीन रंगों में छपा कपड़े का टुकड़ा नहीं तुम्हारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसका मान करोगे तो कभी सम्मान नहीं पाओगे। कौन हो तुम? कबीरा, जिसने इस परचम की आन के लिए अपना ये बाजू कुर्बान कर दिया। इस चवन्नी के तिरंगे के लिए? शाबाश, भारत माता के आंचल की कीमत चवन्नी लगाई है तो अपनी बेटी की लिबास की कीमत क्या लगाओगे? दो कौड़ी। दरअसल कसूर भी तुम्हारा नहीं है, आजादी तुम लोगों को विरासत में मिली है। अंग्रेजों के जुल्म और शहीदों के कुर्बानी के किस्से तारीख में पढ़े हैं तुमने, वो भी सिर्फ हिस्ट्री के पीरियड में। पीरियड खत्म तो किताब भी बंद। तो उन कहानियों को दोहरा कर क्या करें? 50 साल हो गए आजादी मिले। 50 सालों में क्या तुम अपनी मां को भूल जाओगे? 50 सालों के बाद अपनी औलाद, अपनी बीवी को भूल जाओगे तुम? इस धरती से भी तुम्हारा कोई रिश्ता है। सरहद पर खड़े सिपाही अगर तुम्हारी तरह खुदगर्ज हो जाए तो इस देश पर दूसरे मुल्क का झंडा फहराने में 24 घंटे पीने लगेंगे। तुम जैसे कमजोर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के लिए लड़ सकते हो, देश की आन और मर्यादा के लिए नहीं। नहीं बेटे, नहीं। ताली बजाने वाले तमाशाही होते हैं, मैं तो इस पीढ़ी को मैदान में देखना चाहता हूं। इनकी आंखों में वो जुनून देखना चाहता हूं कि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो कि तुम्हारी सरहदों की तरफ आंख उठा करके देख सके। रब रखा तुम इस मुल्क के निगेबान हो, लो संभालो अपने देश की इज्जत को, इसे कभी बेइज्जत मत होने देना। जय हिंद, जय हिंद। आज बंटवारे को 50 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन पड़ोसी मुल्क लगातार इस कोशिश में है कि हमारे देश का विनाश करे। हालांकि पिछले 3 जंगों में वो हमसे बुरी तरह से शिकस्त खा चुका है, इसलिए वो आतंकवाद के जरिए हमें उकसा रहा है, हमें प्रवोक कर रहा है और हमारे स्टेट्स को हथियाने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन उनकी इस कोशिश को नाकाम करने का एक तरीका है और वो ये है कि उनके खिलाफ तमाम सबूत हासिल करके हम UNO के सामने पेश करें ताकि वो पड़ोसी मुल्क को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करते। हमारे इंटेलिजेंस आर्मी के कई जांबाज सिपाही इस मकसद में शहीद हो चुके हैं। आज मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी और फख्र महसूस हो रहा है कि हमारा एक जांबाज सिपाही इस मिशन में कामयाब हो चुका है और तमाम सबूतों के साथ बहुत जल्द वो हमारे पास पहुंच रहा है। जूलियट जुलू, मैं टॉप सीक्रेट फ्लॉपी के साथ टेक ऑफ कर चुका हूँ। आपसे गुजारिश है S-342 लैंडिंग के लिए क्लियर करवा दें। कौन हो तुम? सिपाही जिसका मकसद है दुश्मन की तबाही, वो फ्लॉपी मुझे दो।
Sit down, sit down. Thank you, sir. Bad news, officers. बड़े अफसोस की बात है कि हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर अजीज कश्मीरी का प्लेन क्रैश हो गया है। ब्लैक बॉक्स एनालिसिस से पता चला है कि उस वक्त प्लेन में कोई और शख्स भी था जिसने अजीज कश्मीरी को खत्म करके तमाम डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वहां से गायब हो गया। हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया है कि हम और चौकन्ने और अलर्ट होकर काम करें और ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें जो इस साजिश में शामिल है। Hey you, तस्वीर कैसे ली? ले ली, प्रेस फोटोग्राफर हूँ, छाप भी दूंगा। चल छाप दे। क्या ले तू भाई? ठीक है। Excuse me, excuse me, autograph please. लाइए। मैं आपकी दीवानी हूँ। I mean I'm your fan. मैंने आपके सारे नॉवेल्स पढ़े हैं। थ्रिलर और सस्पेंस में आपका हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। ऐसे अनोखे अनोखे आइडियाज आपके दिमाग में आते कैसे हैं? ट्रेड सीक्रेट। ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेंगी? नो नो नो। कैसी रही तुम्हारी कॉन्फ्रेंस? कॉन्फ्रेंस? तू लेखक सम्मेलन में तो गया था ना? अरे हाँ माँ, माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। चच्ची जान, पेट में चूहे भूख के मारे मर रहे हैं। एक 40-50 पराठे और एक आधा किलो अचार मिल जाए तो यारों का नाश्ता हो जाए। बस यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। अरे इसकी डाइटिंग को तो नजर क्यों लगा रहा है? बैठे बैठे मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। आजा आजा। आलो आलो, पेंशन लाया हूँ साहब। कौन है बेटे? मैं हूँ माजी। नमस्ते। सरकारी श्रद्धांजलि आई आपके लिए। इतना सही करा। मैं जाऊं? ले। क्यों लेती हो ये खैरात माँ? ये खैरात नहीं, सम्मान है बेटे, सम्मान। सम्मान से पेट नहीं भरता बाबा। माना कि आज हमें रुपयों की जरूरत नहीं, लेकिन उन शहीदों के परिवार जहां कमाने वाला कोई नहीं, जिनकी जरूरतें इन रुपयों से कहीं ज्यादा हो, वो क्या करते होंगे? कभी सोचा हमारी सरकार ने उनके बारे में? इसीलिए तो यहां का नौजवान इस देश से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि यहां के स्वर्ण पदक भी कांसे के बने होते। बेटे, वो लोग जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनका यह मकसद कभी नहीं था कि उन्हें सोने चांदी के तमगों से नवाजा जाए, या जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को इतना पेंशन मिले कि उनका गुजारा हो सके। नहीं, उन देश प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति सिर्फ इसलिए दी ताकि उनकी मातृभूमि, उनकी आने वाली नस्ल आजाद हवा में सांस ले सके, क्योंकि उन्होंने यह जुल्म देखा था जब सांस लेने के लिए अंग्रेजों की इजाजत लेनी पड़ती थी। वो दहशत देखी थी जब अंग्रेजों के जूतों की दबक से मां के बच्चे गिर जाया करते थे। ऐसे डर और खौफ के माहौल में उभरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब की मशाल अपने हाथों में उठाकर उन्होंने देश के नौजवानों को ललकारा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। आजादी नारों से नहीं हथियारों से मिलती है। वो लोग जिनमें मातृभूमि के नाम पर सर कटाने का जज्बा है, वो जियाले जिन्हें धरती की मांग में लहू की सुर्खी लगाने का जज्बा है, वो मेरे साथ आए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी, नेताजी, नेताजी। बोलो जवान। अगर खून से आजादी मिल सकती है तो हम दोनों के शरीर से खून का एक एक कतरा ले लीजिए। आप अगर कुर्बानी देकर आजादी मिल सकती है तो ये सर हाजिर है। मगर हमारे देश को आजाद करवा दीजिए नेताजी, हमारे देश को आजाद करवा दीजिए। शाबाश। वो देश जिसके पास तुम्हारे जैसे सपूत हों, वो देश कभी गुलाम नहीं रह सकता, कभी नहीं। ये शहीद तो बीज की तरह जमीन में दफन हो गए, अब इनकी शाखों को चाहिए कि इतना फलें फूलें कि ना कोई साए के लिए तरसे और ना ही फल के लिए।